Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges. I'm Professor Mandur Shah, Head of English Department in Superior Group of Colleges. Dear students, today we are going to start our lecture about present continuous tense. Regarding verb correction, आज जो हमारा टॉपिक है वो verb correction के हवाले से है और present continuous tense, number 4 tense. Let's see first of all its identification. सबसे पहले हम देखते हैं इसके सिग्नल वर्ड्स जो हैं एट प्रेजेंट नाउ दिस दिस जस्ट नियर फ्यूचर आइडिया नाउडेज सेंस ऑफ सेंटेंस ये वो क्ल्यूज हैं जो हमें बताएंगे कि जुमला हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है फॉर एग्जांपल जैसे मैं अब ये काम कर रहा हूं तो इसमें वर्ड यूज किया गया उर्दू में अब जिसे हम कहेंगे नाउ तो ये हमारा क्ल्यू वर्ड बन जाएगा कि हमारी एक्शन जो है वो कंटिन्यूटी की तरफ जा रहा है मैं अभी ये काम कर रहा हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ यू आर लिसनिंग आप सुन रही हैं तो ये हमारे सिग्नल वर्ड्स बन जाते हैं नंबर टू फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आई एन जी लगाना है जैसे वर्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्लस आई एन जी लिसन प्लस आई एन जी लिसनिंग स्पीक प्लस आई एन जी स्पीकिंग अभी हमने आई एन जी क्यों लगाना है तो इसका मतलब है एक्शन टू बी कंटिन्यूड कि जो सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो जारी है तो काम को जारी रखने के लिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाना होता है helping verb there are three helping verbs is are am iske teen helping verb hain is are am he she it with any single noun ye hum is ke sath istemal karenge we you they or with any plural noun ye hum are ke sath istemal karenge aur am ke sath ek hi aayega i am formation of simple sentences now students let's learn ke humne simple sentences kaise seekhne hain kaise banane hain How to make simple sentences of present continuous tense? First of all, subject is RM. इनमें से कोई एक helping verb लगेगा. First form plus verb की ing form use करेंगे और last में हम object लगाएंगे. Subject सबसे पहले हम लिखेंगे. We, you, they, students. जुमला हमारा किसी भी subject से शुरू हो. अगर वो plural है तो are helping the poor now. Are आपका helping verb. Helping verb की first form plus ing और the poor object now हमारा signal word है जो बता रहा है कि काम अब किया जा रहा है अगर हम इसको एक sentence में बोले they are helping the poor now कि वो अब गरीबों की मदद कर रहे हैं number two he she will Nadia is learning the lesson this time तो this time हमारा clue word है जो बता रहा है कि ये present continuous tense है आप एक जुमले में भी अगर इसे बोलना चाहें तो यू भी कैसे ही इज लर्निंग द लेसन दिस टाइम कि इसे वो अपना सबक याद कर रहा है आई एम टॉकिंग टू यू एज एन इंग्लिश कोच एट प्रेजेंट तो एट प्रेजेंट हमारा क्ल्यू वर्ड है जो बता रहा है कि काम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हो रहा है डियर स्टूडेंट्स लेट्स मूव टूवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस अब हम अपने सिंपल सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे जो दुनिया का सबसे आसान तरीन काम है कि आप एक बार सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा वी विल यूज नॉट विद हेल्पिंग वर्ब जब हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इजाफा कर देते हैं तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है बाकी फार्मूला एज इट रहेगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज आर एम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करेंगे नॉट एड करेंगे इन मनफी बनाने के लिए प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट लेट्स सी द एग्जाम्पल We are not disturbing our friend these days. आजकल हम अपने दोस्तों को तंग नहीं कर रहे हैं एक सिंपल सा जुमला है सब्जेक्ट वी आर हेल्पिंग वर्ब साथ हमने नोट बनाया लिखा नेगेटिव बनाने के लिए डिस्टर्बिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आवर फ्रेंड ऑब्जेक्ट है और दीज डेज हमारा सिंगुलर वर्ड है नेक्स्ट एग्जाम्पल ही शी अली स्टूडेंट अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो इनमें से कोई भी ही इज नॉट मेकिंग अ नॉइस नाउ नंबर थ्री एग्जाम्पल यू दे are not doing the duty nowadays so these days now nowadays at present ye hamare sare signal words hain jo hame madad dete hain jumle ko samajhne mein yes dear students let's move towards formation of interrogative sentences jaisa ki hum aapko bata chuke hue hain ke jo hamara helping verb hota hai wo hamesha we use karte hain before subject कि हेल्पिंग वर्ब ने सब्जेक्ट से पहले ही आना होता है तभी सवालिया फकरा बनता है फार्मूला आपके सामने है इज आर एम सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लेट्स सी एग्जांपल आइए हम मिसाल की देखते हैं आर वी गाइडिंग आवर फ्रेंड्स एट प्रेजेंट आर हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में यूज किया हमने
वी सब्जेक्ट लगाया हमने और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी गाइडिंग आवर फ्रेंड्स हमारा ऑब्जेक्ट और एट प्रेजेंट हमारा सिग्नल वर्ड बन गया. तो कंप्लीट सेंटेंस ये बन गया आर वी गाइडिंग आवर फ्रेंड्स एट प्रेजेंट. क्या हम मौजूदा वक्त में अपने दोस्तों की रहनुमाई कर रहे हैं. इज ही शी अली स्टूडेंट. अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ऑटोमेटिकली हम इज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे नॉट मोटिवेटिंग हिम नाउ. तो एक जुमला हम इसको बना लेते हैं एक सब्जेक्ट के जरिए. इज अली नॉट मोटिवेटिंग हिम नाउ. नंबर थ्री एम आई नॉट टॉकिंग अबाउट इस्लाम दीज डेज. तो आपने देखा एट प्रेजेंट नाउ दीज डेज ये हमारे सिग्नल वर्ड्स हैं. एम हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में हमने आई सब्जेक्ट नॉट उसके बाद टॉकिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अबाउट इस्लाम ऑब्जेक्ट और दीज डेज हमारा सिग्नल वर्ड. तो ये एक सवालिया और मनफी जुमला बन गया. यस डियर स्टूडेंट्स फॉर्मेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जब हमने डब्ल्यू एच वर्ड्स यूज करनी है तो वो कैसे हमने इस्तेमाल करने हैं. मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू वी विल यूज डब्ल्यू एच वर्ड्स बिफोर हेल्पिंग वर्ब. डब्ल्यू एच वर्ड्स प्लस इज आर एम सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. रूल हमारा एक ही है लास्ट में. डब्ल्यू एच वर्ड्स लाइक हु व्हेन व्हाट व्हाई वेयर व्हिच हूज हूम हाउ आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर हेल्पिंग वर्ब. इन द एंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यूज क्वेश्चन मार्क. ये बात आपने कभी भी नहीं भूलनी कि जब भी हमारा सवाल या फिक्र बनेगा यू हैव टू यूज क्वेश्चन मार्क इन द एंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. लेट्स सी एग्जांपल. आइए हम एग्जांपल देखते हैं. Why are you? Why are we? Why are they discussing these people now? तो आपने देखा कि हमने हेल्पिंग वर्ब से पहले why ही लगाया है. आर वाई कह नहीं सकते. इट्स रॉन्ग. Why are they discussing these people now? बाकी हमारा फार्मूला वैसे ही है. सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्ली वर्ड. लास्ट एग्जाम्पल है वेयर इज ही वेयर इज शी वेयर इज अली वेयर इज स्टूडेंट नॉट डूइंग द शॉपिंग. इसमें हमने सवालिया और मनफी को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को मिक्स कर दिया है कि अगर एग्जाम्स में इस तरह का जुमला है तो हमें क्या करना है. वेयर इज ही नॉट डूइंग द शॉपिंग. तो आपने देखा हेल्पिंग वर्ब इससे पहले हमने डब्ल्यू एच वर्ड्स यूज किया है. डियर स्टूडेंट्स टूडे वी हैव कम्प्लीटेड आवर लेक्चर ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. In a quite simple way, I hope you have understood it easily. Wish you good luck to all of you. See you next time for the next lecture. Goodbye. Take care. Stay safe. Allah Hafiz.